시간이 불안해. मैं अभी आईटीएम जा रहा हूँ, वहाँ पे कुछ प्रोग्राम है। ए श्री राम, मतलब ये सब आज अभी पूरा शॉप पे दिख रहा है पूरा। ले इधर वन आएंगे लम, वन मस्त आईटीएफ में इसी का प्रोग्राम है, राम मंदिर का ऑफर पे, तो वहीं पे जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या सीन होता है। मैं अभी भाटू बस्ती में हूँ, चलिए चलते। अभी शाम के 4 बज रहे हैं, संडे है यार, आज सारे शॉप में एकदम। अभी चलते हैं आईटीएफ, वीआईपी रोड, आज 21 चलो यार, शाम हो गया है, मैं आईटीएफ ग्राउंड आया हूँ, अभी पूजा होने वाला है, दिखाते हैं आपको यहाँ का व्यू कैसा है। उस उपलक्ष्य में हम सभी सनातनी धर्म को मानने वाले उस राम उत्सव को मना रहे हैं। आज हम सभी इस आईटीएफ ग्राउंड में मिलकर के राममय होकर के 11 कुंडी महायज्ञ का आयोजन किए हैं। अब से कुछ ही देर बाद गणपति पूजा और महायज्ञ प्रारंभ होगा। अभी यहीं पे पूजा होने वाला है, अभी रथ यात्रा अभी आएगा यहाँ पे, उसके बाद ही स्टार्ट होगा, तो वेट करते हैं और दिखाते हैं आपको। कितना बार बोलना है? 108 बार। जो यात्रा तरह की यात्रा आ गया अभी यहाँ पे, राम 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 राम
लोग का किसी को पकड़ा तो फोटो ले लेंगे, वो चारों खड़े हो जाएंगे। हम सभी आनंदमय इस पल का
हाथ उठाए, हमारे हिंदू सेवा संघ और हिंदू राष्ट्र शक्ति के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने कई दिनों से अथक परिश्रम करके आज ये दिव्य झांकी हम सभी को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए आइए आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। कृपया हाथ जोड़ करके विनती है, आप लोग सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए, तभी इस शुभ अवसर का आनंद सभी को प्राप्त होगा। आप पीछे वाले भी राम भक्तों से आग्रह है, आप अभी यहाँ पे पूजा होने वाली है, यहाँ पे वो भी दिखाते हैं अभी आपको। तो वहाँ पे राम मंदिर का झांकी मॉड्यूल है वहाँ पे। अभी हवन पूजा होगा यहाँ पे, बस अब कुछ देर के बाद ही जो है हवन पूजन का कार्यक्रम शुरू होगा। तो जो भी भक्तजन है, सबसे विनम्र निवेदन है कि वे अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, जो भी स्थान यथा स्थान है अपने स्थान पर बैठ जाएं। इससे क्या होगा कि सभी को हवन देखने में, हवन कार्यक्रम देखने में आसानी होगी। और जो दूर से भक्त आए हैं, इधर बाएं साइड में माताओं के लिए भीड़ हो गया यार, अभी यहाँ पे तभी खाली खाली था, पूरा भीड़ हो गया यहाँ। पुरुषों के लिए महाभोग खिचड़ी भी वितरण होने जा रहा है, तो जिनको भूख लगा है वो लोग खिचड़ी भी जाकर खिचड़ी महाभोग प्रसाद भी ग्रहण करें। अभी यहाँ पे अंदर के लोग भी बैठेंगे प्लीज, अभी कुछ अच्छा पूरा आएगा। बस और कल को बैठना था, बैठ गए प्लीज, अपने अपने स्थान में बैठे रहिए।
सभी को जय श्री राम। बहुत लंबी रथ यात्रा थी, बंबू प्लांट से प्रारंभ होके, चूनाभट्टा से प्रारंभ होके हम सब आईटीएफ मैदान पहुंचे हैं। कुछ थकावट जरूर होगी, लेकिन हम लोग जो है जय श्री राम का एक बार जयकारा लगाते हैं, कुछ थकावट जरूर कम हो जाएगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। तो अब बस कुछ देर में हमारा यह कार्यक्रम शुरू होगा, हवन पूजन होगा, और सभी राम भक्त जिन्होंने इस रैली को सफल बनाया उन्हें मैं हिंदू सेवा संघ और अन्य सहयोगी जो संगठन है उनकी ओर से HRS हिंदू राष्ट्र शक्ति है, पुजारी संगठन है, सभी की ओर से हृदय से धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मुख्य रूप से शुभकामनाएं और हृदय से धन्यवाद देता हूं हमारे माननीय सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी का, जिनका बिना किसी रुकावट का हम सबके साथ जो है सहयोग निरंतर जारी था और निरंतर जारी रहेगा।